شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. रमजान के इन दुरूस में जो हम जन्नत और जहन्नम के सिलसिले से रोज़ाना एक एक बयान सुनते आ रहे हैं, तो सिलसिले की आज की जो कड़ी रहेगी वो जहन्नम से मुतालिक, और आज हम जहन्नमियों के खाने और जहन्नमी क्या पिएंगे इसके मुतालिक सुनेंगे। जहन्नमी जहन्नम में जो खाना खाएंगे, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने चार पांच जहन्नमियों के खाने बयान किए हैं। सबसे पहला जो खाना है जो आज हम सुनेंगे वो है जक्कूम, इंतहाई कड़वा, बदबूदार, जहरीला और नहायत ही बदमज़ा ऐसा खाना होगा। ये असल में दरख्त है जो जहन्नम की तह में, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में ये उगता है। अब जाहिर बात है कि जो जहन्नम की आग में उगता है वो दरख्त या वो फल या उस दरख्त के पत्ते जो भी हैं वो भी अंगारे ही की शक्ल में होंगे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन नशा दरत ज़क्कूम तअमुल असीम कल मुहली यदी फिल बुतून कगिल इन हबीब। ज़क्कूम का जहर ऐसी तकलीफ देगा जिस तरह खौलता हुआ तेल इंसान को, खौलता हुआ पानी या खौलता हुआ तेल इंसान जिसे पीना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल ज़क़ूम भी अगर इंसान खाएगा तो उसके पेट में इसी कदर तकलीफ होगी। ये ज़क़ूम भी इंसान के पेट में जाने के बाद इसी तरह जोश मारेगा। ज़क़ूम के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरवी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, कहते हैं कि एक खतरा ज़क़ूम का दुनिया में डाल दिया जाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर जितने जानदार हैं, चाहे वो जानदार आबी यानी समंदर में पाए जाने वाले मछलियाँ या और दूसरी मखलूक, या फिर आसमान पर उड़ने वाले परिंदे हों या ज़मीन पर चलने वाले जानवर या इंसान या कीड़े मकोड़े, जितनी किस्म की जानदार पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, इन सारी दुनिया की जानदारों के लिए जो खुरदनोश, जो खाने के लिए जो सामान मुहैया है, ये सारे का सारा खाना सारे जानदारों का इस एक ज़क़ूम के खतरे से बर्बाद हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ज़क़ूम का एक खतरा दुनिया के अंदर पाए जाने वाली सारी मखलूकात के खाने पीने के सामान को तबाह कर सकता है। तो जिस जहन्नमी को ज़क़ूम का पूरा दरख्त, ज़क़ूम का मुकम्मल मेन कोर्स या पूरा खाना उसको ज़क़ूम के साथ पेश किया जाए तो उस जहन्नमी पर क्या असर पड़ेगा। जहन्नम में जो दूसरा खाना पेश किया जाएगा वो है ज़रील, ये कांटेदार घास होती है। लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़रीअ ला युस्मिन वला युग़नी मिन जूअ। ये कांटेदार घास ऐसी कि आप खाएंगे तब भी पेट भी नहीं भरेगा और ना ही हमारी भूख खत्म होगी, ना पेट भरेगा बल्कि इंसान की तकलीफ में और ज्यादती होगी। इंसान को जो तकलीफ हासिल थी, जो तकलीफ उसे मिली थी, उस तकलीफ में और ज्यादा शिद्दत आ जाएगी और साथ ही इस खाने के बावजूद भी उसका पेट भी नहीं भरेगा। ग़िसलीन एक ऐसी दर्दनाक है। देखिए जहन्नम के अंदर जितने अज़ाबात हैं, ये जहन्नमियों को जो खाना खिलाया जा रहा है या पानी पिलाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, उनको खाने के लिए मुख्तलिफ वैरायटी पेश की जा रही है।
ये भी जहन्नम के अजाब की एक शक्ल है। जहन्नम का खाना भी जहन्नम के मुख्तलिफ अजाबात में से एक शक्ल है। ग़िस्लीन, जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला गलीज और गंदा जो मादा होता है उसको ग़िस्लीन कहते हैं। ग़िस्लीन भी जहन्नमियों के ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। वला तअकुल इल्ला बिल ग़िस्लीन ला याकुलुहु इल्ला अल-ख़ातिउन। इसी तरह एक और भी है जिसको बा गुस्सा कहते हैं। ये ऐसी घास है जो हलक में फंसती है, हलक में फंसने वाला खाना अल्लाह ताला जहन्नमियों को देगा। पीने के लिए जो इनको दिया जाएगा वो है माउंट हमीम, खोलता हुआ पानी। आप ये जान लें कि जब कयामत कायम होगी सारे लोग कब्रों से उठेंगे, महशर में जमा होंगे, महशर में सारे लोग जब जमा होंगे, हिसाब और किताब की कार्रवाई जब शुरू होगी तब सारे लोग प्यासे होंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और सबको हौज़ से पिलाते, पानी हौज़े कौसर से पिलाते पिला रहे होंगे। तो ऐसे मौके पर कुफार को, मुशरिकीन को और बिदातियों को धुतकार दिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से उनको दूर कर दिया जाएगा। तो बताना ये चाहता हूँ कि जब जब इंसान मरकर दोबारा उठाए जाते हैं तो प्यास की शिद्दत से दो चार होते हैं, तो उनको प्यास की शिद्दत होती है। तो जब ये जहन्नमियों का फैसला अल्लाह ताला जहन्नम में कर देता है तो इस प्यास के साथ जब उनको भूख लगती है तो इनको यही खाने और पानी दिए जाएंगे जिसका नाम है एक पानी जिसका नाम माउंट हमीम, ये खोलता हुआ पानी है। ये पानी इस कदर होगा कि इंसान पिएगा तो उसकी आंतें, इसको अंतड़ियां कहते हैं, कट जाएंगी। माउंट सदीद, पीप और खून जो जहन्नमियों का होगा ये इंसान को पीने के लिए दिया जाएगा। मा उनकल मोहन, ये ऐसा तेल जो तेल के नीचे जो तेल के बर्तन में नीचे अगर कुछ गंदगी बाकी रह जाए, तेल का जो जिसको तेल का तलछट कहते हैं, इस अंदाज का मशरूब जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। इन सारी एक एक है रसाख, ये भी एकदम काला बदबूदार बदमजा और इंसान को इंतहाई नुकसान पहुंचाने वाला होगा। ये इस कदर गर्म होंगे कि जब उनको पीने के लिए इंसान पिएगा तो उसके उनके मुंह का गोश्त, होंठ और जबान वगैरह कट कर गल कर नीचे गिर जाएंगे। ये कुछ बातें थी जो जहन्नम के खाने और पीने से मुताल्लिक थी। आज की जो बातें हमने सुनी, इन सब बातों का अगर हमारे जात पर, जाती जिंदगी पर, अगर हमारी रूह पर, अगर हमारे ईमान में कोई असर पड़ता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अगर इन सारी बातों को सुनकर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये इस बात की दलील और अलामत है कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। दिलों का सख्त होना अल्लाह ताला की अजाब की अलामत है। दिलों का सख्त होना दुनिया की मोहब्बत की पहचान है। दिलों का सख्त होना अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा अहकामात पर कामिल ईमान ना रखने की पहचान है। दिलों का सख्त होना आखिरत पर तमाहतु ईमान ना होने की दलील है। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने दिलों को अल्लाह के लिए नरम बनाएं, जहन्नम के इस खतरनाक अजाबात को जाने पहचाने। अब मुख्तसर सी बात मैं कहूँ कि अगर खाने में नमक कम या ज्यादा हो जाए तो हमारा मुंह कराहने लगता है, अगर बासी खाना हमारे दस्तर पर आ जाए तो हमारा दिल बैठ सा जाता है, अगर खाना बदबूदार या सड़ा या गला हो जाए तो हम हाथ लगाना भी उसको गवारा नहीं करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या हमें इस बात की फिक्र है कि जहन्नम में इस तरह के बदतरीन और अजाब की शक्ल में दिए जाने वाले खानों के ताल्लुक से हम फिक्र करते हैं? अगर हम फिक्र करते हैं तो मुझे अपनी ज़िंदगी पर और आपको अपनी ज़िंदगी पर यह गौर करना चाहिए, क्या कहीं हम ऐसा नाहक माल को नहीं खा रहे हैं जो जिसके बदले अल्लाह ताला का जहन्नम के दिन हमें, जहन्नम में हमें ये खाने देगा, ये खाने हमारे मुकद्दर में अल्लाह लिख देगा। तो इन खानों को बचने, इन खानों के खाने से बचने के लिए मुझे और आपको चाहिए कि हम दुनिया वालों के जो हुकूक हैं, एक भाई दूसरे भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई के हक को ना मारे, भाई बहनों के हक को ख़त्म ना करे। मीरास में होता यह है कि बड़े छोटों पर जुल्म कर देते हैं, उनका हक हम तो अदा नहीं करते।
जब किसी इंसान दूसरे इंसान के साथ मामला करता है या कोई डीलिंग या बिजनेस करता है तो इसके उसके माल को नाफ खाने के ऐसे अंदाज और हथकंडे अपनाता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हर दिन हर अंदाज से अलग अलग आदमी कोई ना कोई बहीला बहाना ऐसी साजिश ढूंढ लाता है कि जिसकी वजह से दूसरों का माल अपना बनाने की चाल चल सकता है। तो जो भी जैसे भी नाहक तरीके से हम माल खाएंगे, चाहे वो यतीमों का माल हो, कमजोरों का माल हो, या किसी हकदार का हक, किसी से हमने मजदूरी कराई और हमने उसका हक खा लिया, उसका हक उसको पूरा नहीं किया, या हमारा हक किसी ने खा लिया, हमने उस पर अपने हक से ज्यादा जुल्म किया, तो ये सारी चीजें इस बात के लिए दलील है कि ये हमें कयामत के दिन जहन्नम के इन तमाम खानों से अपने पेट को भरने के लिए तैयार कर लेना पड़ेगा, जबकि हम लोग तैयार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये कहा करते थे मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जुमले। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर मोमिनीन, जो मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा थे, उनसे साबित हैं। कभी हज़रत अबू बकर ये कहा करते कि मैं किसी मोमिन के जिस्म का बाल होता, कभी ये कहा करते कि मैं कोई दरख्त होता जिसको कभी काट दिया जाता, जिसका फल खा लिया जाता, कभी ये कहा करते कि मैं हांस होता जिसको बकरियां चर लें। तो ये सारी बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से इसलिए अदा हुई क्योंकि वो जानते थे कि जहन्नम के इन दर्दनाक अज़ाबात से बचने के लिए अगर मैं दरख्त होता तो काफ़ी खूब होता कि मैं हिसाब और किताब से बच जाता। तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को सामने रख कर अपने शबो रोज़ गुजारने की कोशिश करें, उसकी इस्लाह करने की फिक्र करें, दूसरों का माल नाहक तरीके से खाने से या फिर दूसरों का माल जुल्म करके अपना बनाने से अल्लाह ताला मुझे और आपको बचाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नम के खानों से बचाए, जन्नत के आलीशान नेमतें और दाइमी और हमेशा रहने वाली नेमतों में का हिस्सेदार बनाए। आखिर दावा।